Hello students, today we are going to start NEET direct assignment. तो बच्चों आज डेट 12 का ये NEET direct assignment है ना बच्चों. तो आज हम बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे है ना बेटा. चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड एलुसरेट, ठीक है बच्चों, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से आपने पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है जब दोनों कंबाइंड करते हैं फिक्स्ड वेट में तो ये क्या करते हैं, कई तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि जब टू एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं एक दूसरे कंबाइंड करके एक या अधिक क्या कहते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और बच्चों क्या होता है इसमें से एक एलिमेंट क्या होता है लगभग फिक्स वेट का होता है, ठीक है ना बच्चों. तो ये हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द वेट ऑफ एन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर आर रेशियो इन स्मॉल होल नंबर, ठीक है बच्चों. तो ये बच्चों इसमें से देखिए ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबका क्या है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है एलिमेंट, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है. अब ये क्या है, बिल्कुल देखिए सेम है. तो ये क्या करता है, देखिए ये एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये क्या करता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एकदम परफेक्टली बेटा फॉलो करता है. तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 बेटा आपका ये करेक्ट है, ठीक है ना. जैसे आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड का बना तो इसमें क्या बनता है, उसमें N2O बनता है बच्चों, N2 बनता है, NO बनता है, NO2 बनता है, N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो इस तरह से बच्चों जो है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो बहुत सारे उसमें बनते हैं जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को रूल्स को फॉलो करते हैं. तो इसमें बच्चों इस जो ऑप्शन दिया है इसमें SnCl2 और SnCl4 बेटा ये क्या कह रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है बच्चों. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ऑक्सीजन कंबाइन टू आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन 12C एंड 14C टू फॉर्म टू सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द डाटा. ये दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एंड नन ऑफ दिस. तो बच्चों यहाँ पे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसे हम यहाँ कह सकते हैं कि 14C एक क्या हम यहाँ दिया है कि इसे हम 14C का इक्वेशन लेते हैं, ठीक है बेटा. चलिए हम इसका इक्वेशन बनाते हैं. यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए 14C है. अब बेटा ये क्या है बच्चों, O2 है, ये हो गया आपका बच्चों 14CO2. इसी तरह बच्चों ये 12C है, सी है ना यहाँ पे, अब प्लस बेटा ये O2 है, ये CO2, सॉरी ये क्या बन रहा है आपका बेटा 12 क्या बनाएगा, ये आपका CO2 बना देगा, ठीक है ना बच्चों. तो ये दोनों क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को एक तरह से देखा तो सेटिस्फाई करते हैं. लेकिन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो है ऑलवेज फेल किसके लिए होता है, हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है ये ऑलवेज फेल टू आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए क्या होता है बच्चों, वो हमेशा फेल्यूर होता है ना बच्चों. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे देखा जाए तो ऑक्सीजन कंबाइंड टू आइसोटोप फ्रॉम द 12C 14C टू सैंपल्स कार्बन डाइऑक्साइड तो डाटा विल, हम ये भी कह सकते, ये भी नहीं करता है ना. गैसियस का भी नो वैल्यू ड्यू टू कार्बन क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है वो जो हम देखेंगे एक तरह से. तो आंसर जो होगा बच्चों इसका ये होगा नन ऑफ दीज, ठीक है बच्चों. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पे कि डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ. तो बच्चों इसमें क्या करा कि डिफरेंट प्रपोर्शन में ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रूव द लॉ. तो क्या लॉ प्रूव होता है, देखिए ये प्रूफ करता है सीधे सीधे नाइट, ये N2O है, NO है, NO2 है बच्चों, N2 है, ये देखिए 28 से 16, 14 से 16, 14 से 32, 28 से 16 बच्चों, 28 से 80. तो बच्चों इसमें क्या करेगा, आंसर कंफर्म है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है बच्चों. अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 0.28 है ग्राम N2 गैस है. इफ द सेम वॉल्यूम ऑफ एन अननोन गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेट दिया है 0.44 ग्राम, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज. तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस हम कैसे निकालते हैं,
चलिए बच्चों, हम यहाँ निकाल रहे हैं इसको। तो बेटा सबसे लेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, यानी एवोगैड्रो लॉ को हम लेंगे। जो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ भी है, क्या होता है बच्चों, भी बच्चा होता है क्या बेटा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा क्या होता है ये एन के वी वॉल्यूम ऑफ द गैस, एन नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैस। तो बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालेंगे किसका, नाइट्रोजन का निकालेंगे। तो हमने लिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेटा, हमने क्या लिया एन टू गैस का। ये क्या हो जाएगा बच्चों, रियल गिवन मास अपन मोलर मास। तो ये बेटा हो जाएगा 0.28 है, और नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा 14 × 2 = 28, तो बेटा आ जाएगा 28 यहाँ आ गया बच्चों। ये बेटा ग्राम है, ये क्या है बच्चों, ग्राम पर मोल है, ठीक है ना बेटा, ये ग्राम पर मोल है, ये ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 28 × 10⁻²। अब बच्चों हमने ले लिया 28 ग्राम, ये ले लिया बेटा 28 ग्राम, ये ले लिया, ये पर मोल है ही है बेटा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा ये 0.01, बिल्कुल सही। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, ये अपने पढ़ा होगा V1 / बेटा V2 = क्या होगा, दोनों में पढ़ा होगा N1 / N2 के। तो बेटा ये वी है अपन, कैपिटल वी है, ये वी क्या है ये क्या है N2, एक N2 नोन है, एक N2 क्या है बेटा, ये क्या है अननोन है, क्या है बेटा इसे बोलेंगे अननोन है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया N, अब बेटा हमने ले लिया N2, तो बच्चों हो जाएगा N क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अननोन गैस है बेटा ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ N2 कितना आया है, 0.1 हमने ले लिया, इसका क्या है हमने ले लिया 0.4 ले लेते हैं, आपन क्या हो जाएगा N क्या हम ले लेंगे बच्चे यहाँ पे अननोन ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा N अननोन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा N अननोन को बेटा इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.0 बच्चा 44 आपन हो जाएगा बच्चों 0.01, यानी ये हो जाएगा आपका 44 ग्राम बेटा हो जाएगा पर बेटा मोल। तो बेटा ये इसमें करेक्ट आंसर बच्चों ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा इसको क्वेश्चन किया, एवोगैड्रो लॉ पे है, एवोगैड्रो लॉ पे, एवोगैड्रो लॉ पे, ठीक है ना बेटा, एवोगैड्रो लॉ पे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से बेटा ये असाइनमेंट था, ठीक है बच्चों। फिर आगे हम बेटा इसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ओके बच्चों।